इफ़ यू आर प्लानिंग टू परस्यू योर करियर इन टू होटल इंडस्ट्री, सो जो होटल मैनेजमेंट का आपका जो कोर्स है वो अच्छे कॉलेज से परस्यू करो, ठीक है। जैसे आपका IHM हो गया, उसके बाद आपका वेलकम ग्रुप हो गया, IIHM हो गया, यहाँ से अगर आप होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम कंप्लीट करते हो सो एंट्री लेवल पे यू विल बी गेटिंग द गुड प्लेसमेंट इन गुड फर्म। ओके, सो IHM जो है वो इंडिया लेवल पे वेल नोन कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं IHM, ठीक है। उसके बाद आपका मणिपाल वाला भी वेलकम ग्रुप अच्छा है, आफ्टर देन ई चैट के थ्रू आपका IIHM में भी यू कैन टेक द एडमिशन। सो टू गेट इन टू ऑल दिस कॉलेजेस देर इज़ अ एंट्रेंस एग्जाम विच यू हैव टू क्रैक, ई चैट में भी है और NCHM CET JEE का एग्जाम है फॉर IHM को लेकर के। सो इन दिस वी विल टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन कितना है, सीट कितनी है और मेरा चांसेज ऑफ सेलेक्शन कितना है। सो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर NCHM CET JEE तो आपका आइडियल टारगेट IHM मुंबई दिल्ली होना चाहिए, फॉलोड बाई IHM बैंगलोर गोवा एंड अदर IHM कॉलेजेस। सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट कॉम्पिटिशन, सीट्स एंड सेलेक्शन, बट बिफोर दैट ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को, दो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर NCHM CET JEE एंड टारगेटिंग फॉर दी बेस्ट IHM कॉलेजेस, ठीक है। अभी NCHM CET में जो कॉम्पिटिशन है 2023 एग्जाम्स को लेकर, दैट इज़ रफली 30,000 to 35,000, दिस इज़ द रफ कॉम्पिटिशन, रफ नंबर आई एम गिविंग यू, इतने लोग रजिस्टर करते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। अब सीट जो है IHM मुंबई की अगर देखोगे तो दैट इज़ अ 387 एंड IHM मुंबई लेस देन 200, तो 500 के अंदर के सीट होगी, रफली 500 के आसपास। बट अगर आप पूरे IHMs का मिलाओगे रफली 5,000, बट दूसरे भी IHMs ऐड करोगे स्टेट वाले भी तो ये नंबर बढ़ेगा, ठीक है। बट अपने को अगर टॉप मोस्ट में एडमिशन लेना है तो गोवा हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, ये सारे टॉप IHMs में आते हैं, ठीक है। तो रफली जो सीट्स बनेगी दैट विल बी अराउंड 2,000 के आसपास, 2,000 to 3,000 के आसपास, मतलब टॉप 10 IHM की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगेन दिस इज़ द रफ नंबर आई एम गिविंग यू। अब चांसेस ऑफ सिलेक्शन आप डिफाइन कर लो, अगर मान लो कि 3,000 सीट है, 30,000 लोग लिख रहे हैं, तो 10% हायर साइड चांस है कि हाँ टॉप 10 में एडमिशन हो जाएगा। बट अगर दिल्ली एंड मुंबई सिर्फ जाना है तो फिर दैट इज़ लाइक 1 to 2% का चांस है मेरा, ठीक है। सो टॉप 5 IHM में रफली 4 to 5% जनता जाएगी, मतलब 30,000 to 35,000 का 4 to 5% आप कर लो, ठीक है। और इसके लिए आपको NCHM CET JEE में अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक लेके आना होगा। आइडली ये पेपर आपका 800 मार्क्स का होता है, तो आपका स्कोर टारगेट हैज़ टू बी 650+, ये स्कोर आपका आना चाहिए। और रैंक वाइज अगर दिल्ली में एडमिशन लेना है आपको सो लेस देन 200 के अंदर की रैंकिंग होनी चाहिए, मुंबई के लिए 500 के अंदर की रैंकिंग होनी चाहिए आपकी टू गेट द एडमिशन इन मुंबई कैंपस। सो प्रिपरेशन वाइज अगर आपका GK वीक है, इंग्लिश वीक है, तो स्टार्ट करो। ये दोनों एरिया पे आइडली लोग कम काम करते हैं और यही आप ये दो सेक्शन आपका गेम चेंजर होते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम में। फिर आपका मैथ्स, जितने लोग का मैथ्स वीक है, प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन पे काम करना है, स्पीड बढ़ानी है। उसके बाद आपका सर्विस सेक्टर स्कोरिंग है, लॉजिक स्कोरिंग है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम ये तीन सेक्शन में आने वाली है आपको, ठीक है। सो प्रिपरेशन को लेके इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड, वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, देन यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर क्लासरूम कोचिंग इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड, दादर, बोरीवली एंड वसई। दो जो आर इन 12th स्टैंडर्ड प्रिपेयरिंग फॉर दी होटल मैनेजमेंट, तो आपको दोनों एग्जाम बैलेंस करना होगा। ऐसा मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ाई करूँगा, बोर्ड एग्जाम मतलब मार्च और अप्रैल में तो आपका NCHM का एग्जाम ही होता है। तो दिसंबर चल रहा है अभी, दिसंबर और जैन ये दो मंथ को यूज़ करो, एटलीस्ट 50-60% प्रिपरेशन आपकी कर लो, ठीक है। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कैसे करना है, और बाकी के जो प्रिपरेशन है वो बोर्ड के बाद, तो जाके आपका डिसेंट प्रिपरेशन होगा, स्कोर भी डिसेंट बनेगा। बट बोर्ड के बाद प्रिपरेशन करोगे तो कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो क्लासरूम के लिए यू कैन चेक आउट आवर सेंटर, बट अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो, ऑनलाइन लाइव क्लास यू कैन ज्वाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, और ये आपके कंप्लीट टीचिंग करिकुलम होंगे फॉर दी प्रिपरेशन, ठीक है। स्कोर अच्छा आया, रैंक अच्छा आया, तो ही टॉप IHM में एडमिशन मिलेगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैव स्टार्ट दियर प्रिपरेशन फ्रॉम दिसंबर 2021, मतलब अभी उनका रिविजन चल रहा है, तो आप सोच लो कि आप कितने पीछे हो और आपको कितनी फाइट मारनी है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि अभी आप चालू करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, प्रिपरेशन नहीं होगी, स्कोर नहीं आएगा। 100% स्कोर आएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज लिखोगे, रिवीजन करोगे, डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस को लेकर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। बुक्स भी अगर आपका अलग से ऑर्डर करना है, यू कैन ऑर्डर द बुक विद इन वर्किंग 7 days, यू विल गेट द बुक एट योर होम, ठीक है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।